फ्यूज़ ये एक ऐसा डिवाइस है जिसका खुद का साइज तो 1-2 इंच के आसपास होता है, लेकिन ये हमारे बड़े बड़े उपकरणों को खराब होने से बचा सकता है। अब किन कंडीशंस में ये ऐसा कर सकता है और ये किस सिद्धांत पे काम करता है, और एक सर्किट में अगर फ्यूज़ उड़ता है तो वो किसकी वजह से, वोल्टेज की वजह से या फिर करंट की वजह से? तो आज के वीडियो में आपको फ्यूज़ से जुड़े इन्हीं सवाल के जवाब मिलने वाले हैं। अब फ्यूज़ को दर्शाने के लिए हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, मतलब किसी भी सर्किट में अगर आप ये सिंबल कहीं बना देखो तो समझ जाना कि वहाँ पे फ्यूज़ का इस्तेमाल होना है। अब पहला पॉइंट, फ्यूज़ हमेशा एक सर्किट में सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, मतलब जिस भी चीज़ को हमें प्रोटेक्शन देनी होती है फ्यूज़ उसके सीरीज़ में कनेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक मोटर को प्रोटेक्शन देनी है तो ये मोटर में ऐसे कनेक्ट होगा। यहाँ पे एसी या डीसी कोई भी सप्लाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ये दोनों में हमें प्रोटेक्शन दे सकता है, तो ये सीरीज़ में इस्तेमाल होगा। अब दूसरा पॉइंट, फ्यूज़ हमेशा दो चीज़ों में हमें प्रोटेक्शन दे सकता है। पहली चीज़ है ओवरलोड और दूसरी चीज़ है शॉर्ट सर्किट। अब देखो फ्यूज़ प्रोटेक्शन देता कैसे है। देखो फ्यूज़ का जो मेन पार्ट होता है वो होता है ये वायर, इसके बीच में से एक पतला सा तार निकल रहा होता है, और ये जो इसके ऊपर होता है ये ग्लास का बना होता है, लेकिन ग्लास जो है इसको वायर को बस पकड़ने के लिए होता है अपनी जगह पे, मेन काम इस वायर का ही होता है। अब देखो ये वायर जो है बनाया जाता है टीन से, मतलब टीन, एल्यूमिनियम, जिंक या फिर कॉपर, मतलब इन सबको मिला के अलॉय से, अलग अलग जो है अलग अलग फ्यूज़ को अलग अलग मटेरियल से मिला के बनाया जा सकता है, मतलब उनकी रेटिंग पे डिपेंड करता है ये। अब मान लो जो हमारा मोटर है ये 15 एम्पीयर का करंट जो है मैक्सिमम ले सकता है, मतलब 15 एम्पीयर करंट ये बिना खराब हुए बिना जले ले सकता है, तो इस सर्किट में 15 एम्पीयर से ज़्यादा करंट नहीं होना चाहिए। अगर इसमें 15 से ज़्यादा करंट हुआ तो ये मोटर है ये खराब हो सकती है, जल सकती है। तो हम यहाँ पे जो फ्यूज़ लगाएंगे वो 15 एम्पीयर का ही लगाएंगे, मतलब फ्यूज़ उतने का ही लगाया जाता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा करंट, मैक्सिमम करंट हमारे सर्किट में हम चाहते हैं कि हो, उससे ज़्यादा करंट ना हो। तो इस सर्किट में अगर ये मोटर 15 एम्पीयर मैक्सिमम करंट ले सकती है तो हम यहाँ पे फ्यूज़ इस्तेमाल करेंगे 15 एम्पीयर का। मान लो मोटर आराम से घूम रही है, मतलब 15 एम्पीयर के करंट के लिमिट के अंदर, अब आपने इस पर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो लोड बढ़ाने की वजह से मोटर क्या करती है, सप्लाई से ज़्यादा करंट उठाना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे 15 एम्पीयर से ज़्यादा करंट इसने उठाना शुरू कर दिया है मोटर ने, अब ये 16 एम्पीयर करंट उठा रही है। या फिर ऐसा मान लो कि जो वायर है लाइव वायर वो टूट के कहीं मोटर की बॉडी पर टच हो गया है और उसको अर्थिंग मिल गया है, तो मोटर जो करंट खा रहा था वो खा रहा था, लेकिन जो कुछ करंट है वो अर्थिंग में भी जाने लगा, मतलब इसकी मोटर की बॉडी में भी जाने लगा। और जो फ्यूज़ है ये हमेशा लाइव वायर पर कनेक्ट करना चाहिए, ये बात याद रखना, इसे न्यूट्रल पर कनेक्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे अर्थिंग में मतलब जाने लगा कुछ करंट लाइव वायर से, तो इसकी वजह से क्या होगा, मोटर जो करंट उठा रही थी तो अर्थिंग में जो करंट जाने लगा, तो अगर उनका जोड़ मतलब उनका प्लस, मान लो मोटर उठा रही थी 15 एम्पीयर और अर्थिंग में जा रहा है 1 एम्पीयर करंट, तो हो गया 16 एम्पीयर। तो अगर इसमें से 16 एम्पीयर करंट फ्लो होना शुरू हो गया तो यहाँ से फ्यूज़ का जो वायर है ये टूट जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। या फिर ऐसा मान लो मोटर बहुत ज़्यादा लोड आपने बढ़ा दिया तो 15 एम्पीयर से ज़्यादा करंट उठाने लगी है, 16 एम्पीयर उठाने लगी है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो सर्किट है वो फ्यूज़ के इस वायर के थ्रू जुड़ा हुआ है, अगर ये वायर यहाँ से टूट गया तो हमारा सर्किट ऑफ हो जाएगा, हमारी मोटर रुक जाएगी, यहाँ से करंट जाना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 एम्पीयर करंट ही ये मैक्सिमम अपने अंदर से पास कर सकता है। तो ये फ्यूज़ खुद को कुर्बान करके हमारे सर्किट को या फिर हमारे जो मोटर्स हैं, हमारे जो अप्लायंसेस हैं जो हमने सर्किट में लगा रखे हैं, उनको खराब होने से बचा लेता है। तो अब आते हैं इन दोनों कंडीशन पे। तो पहले आते हैं ओवरलोड पे। देखो ओवरलोड का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा लोड, मतलब जितना लोड रेटेड है उससे ज़्यादा लोड अपनी सप्लाई पर डाल देना। फॉर एग्जाम्पल जो भी मैंने कंडीशन बताई थी कि मतलब मोटर पे आपने हद से ज़्यादा लोड डाल दिया तो इस वजह से वो हद से ज़्यादा करंट सप्लाई से उठाने लगी, तो ये कंडीशन भी ओवरलोड की कंडीशन कहलाती है। लेकिन एक ओवरलोड की कंडीशन होती है कि इसी पे हम एक और मोटर जोड़ दें, मतलब इसी सप्लाई पे। अब मान लो आपने जो सप्लाई लगा रखी है ये 20 एम्पीयर की है, मतलब ये जो वायर्स हैं, क्योंकि वायर्स भी अलग अलग रेटिंग के आते हैं, तो ये 20 एम्पीयर का वायर है, मतलब मैक्सिमम ये 20 एम्पीयर करंट अपने अंदर से पास कर सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो ये जल सकते हैं। तो ये 20 एम्पीयर के हैं और यहाँ पे हमने 15 ही एम्पीयर की एक और मोटर जोड़ दी इस मोटर के पैरेलल में, ठीक है, यहाँ पे 15 एम्पीयर की एक मोटर जोड़ दी, तो इस वजह से क्या होगा, 15 और 15 30 एम्पीयर, तो 30 एम्पीयर करंट जो है इन वायर में से पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि 20 से ऊपर हो तो जल जाएंगी। तो जैसे ही हम इस मोटर को चलाएंगे, ये तो पहले चल रही थी, जैसे हम इसको चलाएंगे फ्यूज़ तुरंत टूट जाएगा और हमारी वायरिंग को सेफ कर लेगा। तो ओवरलोड कंडीशन में ऐसे हमारी वायरिंग को बचाता है। अब दूसरी कंडीशन है शॉर्ट सर्किट। मान लो हमारा सर्किट अब तक सही चल रहा है, लेकिन एक वायर जो है वो टूट के, मतलब ये जो लाइव वायर है ये टूट के किसी वजह से न्यूट्रल पे टच हो गया या फिर ग्राउंड पे टच हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हाई करंट शॉर्ट सर्किट के टाइम पे, बहुत ज़्यादा हाई करंट हमारे सर्किट से फ्लो होना शुरू कर देता है। तो ये टूट के किसी वजह से अंदर ही अंदर लाइव और न्यूट्रल जो है ये मिल गए, किसी वजह टच हो गए या फिर इसे अर्थिंग मिल गई, तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है कंडीशन, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा करंट वायर से फ्लो होता है, और जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज़्यादा वायर गर्म होगी और आग लगने का खतरा रहेगा। तो इस वजह से ये फ्यूज़ जो है ये तुरंत टूट जाएगा, मतलब ओवरलोड की कंडीशन में। मान लो ओवरलोड में 15 की वजह 16 एम्पीयर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो शायद ये थोड़ा देर से उड़े, लेकिन शॉर्ट सर्किट कंडीशन में तुरंत कुछ ही सेकंड में, मतलब एक सेकंड के बहुत ही कम हिस्से में तुरंत टूट जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन ओवरलोड से बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, और एक बार जो फ्यूज़ उड़ गया उसका इस्तेमाल दोबारा नहीं किया जा सकता, उसके लिए फिर हमें एक नया फ्यूज़ लाना पड़ेगा अपने सर्किट में लगाने के लिए। तो अब समझते हैं किस सिद्धांत पर फ्यूज़ काम करता है।
तो जिस सिद्धांत पे वो काम करता है उसे कहते हैं जूल्स लॉ, जिसका मतलब हुआ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट। तो अगर इसका सीधा सीधा मैं फॉर्मूला लिखूं बिना ज्यादा गहराई में जाए तो वो होगा एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एच यानी कि हीट, मतलब कितनी गर्मी पैदा हो रही है, आई यानी कितना करंट पास हो रहा है, आर यानी रेजिस्टेंस, और टी यानी कितने वक्त के लिए, टाइम। अब समझते हैं कैसे ये इस लो पे काम करता है। मान लो कोई फ्यूज है, ठीक है, ये किसी सप्लाई में कनेक्ट है, मतलब इधर से कोई सप्लाई आ रही है और इधर से आ रही है, और ये यहाँ से लोड पे जा रही है और इधर से सप्लाई आ रही है, तो इसका जो वायर का रेजिस्टेंस है, ये बात याद रखना, इसका रेजिस्टेंस इन वायर्स के रेजिस्टेंस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। मतलब जिन वायर से कनेक्ट होता है, जो भी कॉपर की हो चाहे एल्यूमिनियम की हो, ये हमारी टीन या जिंक की बनी होती है, तो इसका रेजिस्टेंस इनके मुकाबले काफ़ी हाई होता है। तो अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से हम देखें तो आई स्क्वायर, मतलब करंट तो इनमें सेम ही रहेगा क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है वायर्स और ये फ्यूज, तो करंट तो इनमें सेम जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस इसका अलग अलग हो सकता है। तो क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा गर्मी पैदा होगी। अगर हम मतलब सेम टाइम के लिए इसमें कनेक्ट जो करंट है उसको फ्लो कराएं तो ये वायर्स कम गर्म होगी, जो फ्यूज़ है ये ज़्यादा गर्म होगा। अब मान लो फ्यूज़ है 10 एम्पियर का, इसका मैक्सिमम करंट जो है जितना झेल सकता है वो 10 एम्पियर है, और इसका रेजिस्टेंस मान लो 10 ओम, मान लो, मतलब 10 ओम नहीं होता है हर फ्यूज़ का, लेकिन इसका मान लो 10 ओम है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो जिसमें गर्मी पैदा होगी एक सेकंड के लिए करंट पास करने के लिए, सिर्फ एक सेकंड के लिए हमने सप्लाई खोली और फिर बंद कर दी, तो जो गर्मी पैदा होगी वो होगी 10 × 10 × 10 × 1, यानी कि 1000 जूल की गर्मी पैदा होगी एक सेकंड के लिए सिर्फ। तो ये जो फ्यूज़ है ये इतनी गर्मी को आसानी से झेल सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे 10 की जगह 11 एम्पियर करंट पास होना शुरू हो जाए तो एच इज इक्वल टू होगा 11 × 11 × 10, यानी कि 121, यानी कि 1210 जूल। इतनी गर्मी को ये हर सेकंड नहीं झेल सकता, मतलब इतनी गर्मी अगर किसी भी पल इस फ्यूज में पैदा हुई तो ये तुरंत टूट जाएगा, इसका जो वायर है तुरंत टूट जाएगा और हमारा सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी आती है, मान लो ये 10 एम्पियर का फ्यूज है, इसमें से 9 एम्पियर करंट पास हो रहा है, मतलब इसकी लिमिट में है वो, तो ये उड़ेगा नहीं, लेकिन वो करंट जो है काफ़ी लंबे समय के लिए पास हो रहा है, मतलब किसी चीज़ का इस्तेमाल हम लंबे समय के लिए कर रहे हैं जिसमें फ्यूज़ है, तो 9 एम्पियर करंट पास हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, एक महीने बाद या 2 महीने बाद या 4 महीने बाद, ये फ्यूज़ जो है उड़ जाएगा, मतलब 9 एम्पियर की करंट लिमिट के अंदर ही ये फ्यूज़ उड़ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे इसमें से करंट पास होगा ये गर्म होगा, और गर्म होने की वजह से कमज़ोर होता चला जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पुराने फ्यूज़ होते हैं वो बिना ज़्यादा करंट उनमें से पास हुए उड़ जाते हैं। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि जो फ्यूज़ है वो उड़ता है हाई करंट की वजह से, मतलब अगर उसके ज़रूरत से ज़्यादा करंट उसमें से पास हो जाए तो वो फ्यूज़ उड़ जाता है। लेकिन अगर सप्लाई में वोल्टेज बढ़ जाए तो भी फ्यूज़ उड़ सकता है, वो देखो क्यों। मान लो भी 220 वोल्ट सप्लाई आ रही थी, हम जिस भी चीज़ को चला रहे थे वो आराम से चल रही 220 वोल्ट पे और 10 एम्पियर पे, लेकिन अचानक से 220 वोल्ट की जगह 250 वोल्ट सप्लाई आने लगी, तो क्योंकि वो मोटर जो है या फिर जो भी चीज़ है हमारी वो फुल लोड पे चल रही थी, 10 एम्पियर करंट वो ले रही थी, तो 220 की बजाय अब 250 वोल्ट बिजली आ रही है, तो इस वजह से इसके अंदर से कुछ करंट ज़्यादा पास होगा, क्योंकि वोल्टेज के बढ़ने की वजह से सीधा सीधा करंट बढ़ता है। V इक्वल टू होता है आई आर, तो आई इक्वल टू होगा वी अपॉन आर। रेजिस्टेंस तो सेम है, तार भी वही है, फ्यूज़ भी वही है और मोटर भी वही है, और जो वोल्टेज है वो बढ़ चुका है, तो वोल्टेज के बढ़ने की वजह से करंट खुद ब खुद बढ़ जाएगा। तो कभी कभी अगर वोल्टेज ज़्यादा बढ़ जाए तो उस वजह से सर्किट में करंट ज़्यादा बढ़ जाएगा और उस करंट की वजह से फ्यूज़ उड़ जाएगा। तो बस ये था आज का वीडियो फ्यूज़ के बारे में, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर देना, और ऐसी वीडियोज़ आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपको कोई टॉपिक है जो कि समझ में नहीं आ रहा है तो उसे भी आप कमेंट कर सकते हो ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, और अगर इसमें भी कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो उसे भी कमेंट कर सकते हो।